सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं CTH। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सब किस तरह से इजीएस्ट वे में ड्राइविंग को सीख सकते हैं और किस तरह से आप गाड़ी को चला सकते हैं। सो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड रहने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो शुरू करने से पहले गाइज, एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो में भी लंबी थोड़ी सी हो सकती है, पर काफी अच्छे पॉइंट्स आप सबको मैं बताने वाला हूँ और काफी यूजफुल भी आप सबके लिए रहने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है आपको अपना सिटिंग पोस्चर को सेट करना है सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही। सो सबसे पहले आपको अपनी सीट एडजस्ट करनी है, क्लच वगैरह सब आपका इजीली रीच हो रहा है सब कुछ। अगर हाइट एडजस्टमेंट आपकी गाड़ी में दिया गया है, जैसा कि मेरे पास बलेनो जीटा है तो उसमें है, और बलेनो जीटा की भी हम बात करते रहेंगे, सेम ही फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं हर गाड़ी में ऑलमोस्ट। अगर आपकी गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट है तो अगर आपको जरूरत है हाइट एडजस्टमेंट करने की तो आप कीजिए। अगर आपको आपकी गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, अगर आपको फिर भी हाइट की जरूरत पड़ती है एडजस्ट करने की, तो आप नीचे अपनी सीट के कुछ कुशन वगैरह रख सकते हैं जिससे आपकी हाइट एकदम एडजस्टेबल जगह पे हो जाए सेट। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है, यहाँ पे आपको जो है अपना स्टीयरिंग को एडजस्ट करना। सो गाइस, स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट कुछ ऐसे आपको करनी है कि आपका जो हाथ है वो ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत सिटिंग पोस्चर है स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग के लिए आपका हाथ जो है इस तरह से हमेशा रहना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए या फिर 80-90 के बीच में एंगल आपका जो है रहना चाहिए ये। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है गाइस, उसमें क्या करना है, आप बेसिकली स्टार्टिंग में जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, आपको स्टीयरिंग को इस तरह से राइट हैंड से यहां से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से यहां से पकड़ना है। जब आप ड्राइविंग सीख जाते हैं उसके बाद आप कैसे भी पकड़ सकते हैं, ड्राइविंग सीखते समय की जो अरेंजमेंट रहनी चाहिए वो यही रहनी चाहिए। सो इस तरह से आपको स्टीयरिंग पकड़ना है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, अपनी सिटिंग पोस्चर को सेट करना है, स्टीयरिंग के साथ अपने हाथ को सेट करना है कि लेवल ठीक है कि नहीं। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, मिरर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेंटर मिरर और जो आपके ORVM मिरर होते हैं साइड्स में, वो मिरर्स, उनको आपको सेट करना बहुत जरूरी है गाइस। सो आप देख सकते हैं हर गाड़ी में फंक्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि बलेनो में यहाँ पे बटन दे रखा है आपको ऑन ऑफ करने का, कई गाड़ियों में ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाते हैं अनलॉक करने पे, और कई गाड़ियों में मैन्युअल आपको अनलॉक करने पड़ते हैं, पर आपको ये चीज अनलॉक करना बहुत जरूरी है। सो मैं आपको दिखा, आप बटन यहां से प्रेस करेंगे बलेनो में तो ये जो है आपके मिरर ओपन हो जाएंगे, और इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है आपके क्लोज हो जाएंगे। ये जो लीवर दिया गया है ये आपको एडजस्टमेंट करने के लिए है। सो अभी आगे हम बात करेंगे किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है। सो ये एडजस्टमेंट के लिए आपको दिया गया है। सो आप देख सकते हैं इस तरह से मिरर खुल गया, और मिरर जो है आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करने हैं, आपने सेंटर मिरर से आपकी कोई भी गाड़ी डिसअपियर हो तो सीधा आपको साइड मिरर में दिख जाए, या साइड मिरर से डिसअपियर हो तो सेंटर मिरर में दिख जाए। सो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है। सो जो सेंटर मिरर होता है वो हमारा कुछ इस तरह से एडजस्ट करनी है, पीछे जो पीछे वाली विंडो है मैं दिखा देता हूँ आपको, वो जो है पूरी आपकी मिरर में आपको दिखनी चाहिए अच्छे से। आप देख सकते हैं जैसे कि मुझे कंप्लीटली दिख रही है, इस तरह से आपको दिखनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो इसमें ब्रीफली वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आपको अपनी गाड़ी के सारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। सो हर गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन होते हैं, जैसे कि बलेनो का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अनलॉक लॉक बटन मिलता है, ये चाइल्ड लॉक का बटन है, इसको अभी हम रहने देते हैं। अनलॉक और लॉक का बटन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इससे गाड़ी अनलॉक हो जाती है और लॉक हो जाती है। ये आपको पावर विंडोज के, सो ये बेसिक से बटन्स आपको पता होने चाहिए। देन यहाँ पे आपको जो फीचर्स है लाइट वगैरह के, वो भी आपको पता होने चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको लाइट के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए बलेनो में। इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर बलेनो की आपको देखनी है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं ब्रीफली। बाकी गाड़ियों में ऑलमोस्ट सभी में सेम इसी तरह से होते हैं। इस साइड आपको वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, एक बार आप ऊपर को करेंगे तो आपका वाइपर एक बार चल के बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको रियर का वाइपर का भी मिल जाता है, अगर आपकी गाड़ी में रियर वाइपर है तो उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये सब AC वगैरह कंट्रोल्स है, ये आपको नॉर्मली आप बाद में भी सीख सकते हैं और ये आपको नॉर्मली आ भी जाएंगे, तो इसका इतना कोई इशू नहीं है। सो फोर्थ पॉइंट की बात करें गाइस, तो सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं बलेनो में यहाँ पे सीट बेल्ट मिलती है देखने को, ये जो सीट बेल्ट बलेनो में आपको देखने को मिलती है ये हाइट एडजस्टमेंट है, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से
सो ये काफी इजी रहता है। और अगर आपकी गाड़ी में नहीं भी मिलती तो भी आपको सीट बेल्ट जो है आपको लगाना जरूरी है गाड़ी चलाने से पहले, ये मस्ट है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ABC की इंफॉर्मेशन आपको सारी होनी चाहिए। सो ABC से मतलब है एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये एक्सेलरेशन है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। ऑटोमेटिक गाड़ी है अगर आपके पास तो आपके पास सिर्फ एक्सेलरेशन और ब्रेक होगा, क्लच नहीं होगा। सो ये तीनों चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा इसके साथ आता है गियर लीवर। गियर लीवर हर गाड़ी में डिफर कर जाता है किसी किसी गाड़ियों का, जैसे कि आप बलेनो में देख सकते हैं, बट सब गाड़ियों में आपको यहाँ पे मार्किंग देखने को मिलेगी। सो मार्किंग के हिसाब से आपको गियर याद रखने हैं सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हैं पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, पांचवा, रिवर्स। किसी किसी में गाड़ियों में रिवर्स फर्स्ट में होता है, किसी किसी में अलग से ऊपर होता है लास्ट में जाके। सो ये चीजें आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले होनी चाहिए। के बाद लास्ट जो पॉइंट आता है जो आप पहले दिन आप कर सकते हैं सीखने के लिए गाड़ी, ये सब चीजें आपको पता होने के बाद, क्लच आपको पता है अगर आपकी गाड़ी में क्लच है, क्लच आपको दबाना है, एकदम धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। ब्रेक और एक्सेलरेशन से कुछ नहीं करना, गाड़ी ऑफ में ही आपको क्लच दबाना है, धीरे धीरे छोड़ना है, क्लच दबाना है, धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली इसका क्या मतलब है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि गाड़ी तेज हर कोई चलाना सीख लेता है, बट स्लो चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्लो चलाने में ही लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। सो स्लो चलाना सबसे पहले आपका जो है इम्प्रूव होगा। सो सबसे पहले आपकी गाड़ी जब आप चलाना सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। सो सबसे पहले आपको ये करना है। सो गाइज एक बात और कि जब भी आप ये जो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेसन जो है गाड़ी का, उसमें जब आप क्लच वाला सीखेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आपका जो ध्यान है वो हमेशा आगे रहना चाहिए, ठीक है, क्लच पे नहीं रहना चाहिए। और फिर आपको क्लच दबाना है और धीरे धीरे छोड़ना है, ध्यान आपका आगे रहना चाहिए, हाथ आपके स्टेयरिंग्स पे रहने चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, जो नए ड्राइवर्स होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम हर किसी की होती है, जब वो गियर डालते हैं तो उनका ध्यान गियर पे होता है, जब वो क्लच दबाते हैं तो उनका ध्यान क्लच पे होता है, ये नहीं होना चाहिए। सो गाइस जो सारे पॉइंट्स मैंने आप सबको बताए हैं, बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, वो सारे को जो है जो फर्स्ट डे में मैंने क्लच वाला बताया वो प्रैक्टिस करनी है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप गाड़ी को चला सकते हैं। सो होप गाइस कि आप सबको वीडियो यूजफुल लगी होगी और पसंद आई होगी। सो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के साथ ऑल ऑप्शंस को क्लिक करना ना भूलिएगा। सो गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद और सेफ ड्राइव।